यहाँ पे आप पैसे चढ़ा सकते हैं, वहाँ से आप प्रसाद लीजिए और प्रसाद भी वहाँ पे चढ़ा सकते हैं जो आप बाहर से लाओगे। जितनी भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ ये सारी मैंने प्रोटोकॉल काउंटर से पूछा है अभी फोन करके, उसके बाद मैं आपको सारी अपडेट दे रहा हूँ। तो ये सारी जानकारी है कि महाकाल टेम्पल में दर्शन कैसे किए जाएं। अभी सावन के दिन चल रहे हैं तो अभी दर्शन करना लोग सोच रहे हैं काफ़ी मुश्किल होगा, तो मैंने अभी वहाँ के जो पंडित जी हैं वहाँ से पता किया, तो उन्होंने बताया कि अगर आप जनरल से भी, उससे ज़्यादा मुझे जो क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है गर्भगृह में आप जा सकते हैं, महाकाल टेम्पल में कौन से समय आरती होती है, कि भस्म आरती की टिकट कहाँ से ली जाती है और कितने की होती है। देखिए भस्म आरती की जो टिकट होती है ना आप, तो अगर कोई जा रहा है तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ओमकारेश्वर से रिलेटेड, टेंपल से रिलेटेड या केदारनाथ टेंपल से रिलेटेड या ऋषिकेश में जो है नीलकंठ टेंपल रिलेटेड, हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हर हर महादेव, सावन का पहला दिन चल रहा है आज, तो सबको मुबारकबाद सावन की। तो जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है उज्जैन से रिलेटेड, महाकाल टेंपल से रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कमेंट बॉक्स में और सबका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे क्वेश्चन, वो मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं, उनके मैं आंसर आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहले सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरा पूरा उज्जैन की सीरीज़ हिट कराई और अच्छे से देखा आपने पूरा उज्जैन की सीरीज़ सारे एपिसोड। तो शुरू करते हैं महाकाल टेंपल से रिलेटेड सारी अपडेट। जितनी भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ ये सारी मैंने प्रोटोकॉल काउंटर से पूछा है अभी फ़ोन करके, उसके बाद मैं आपको सारी अपडेट दे रहा हूँ। तो ये सारी जानकारी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और अगर कुछ मिस्टेक हो जाए और जो कोई महाकाल लोकल नागरिक है वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में वो ठीक कर सकता है, ठीक है ना। ओके स्टार्ट करते हैं। पहले महाकाल टेंपल जो है वहाँ की टाइमिंग क्या होती है। वहाँ की टाइमिंग देखिए सुबह के 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक की होती है टाइमिंग, ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि महाकाल टेंपल में दर्शन कैसे किए जाएँ। अभी सावन के दिन चल रहे हैं तो अभी दर्शन करना लोग सोच रहे हैं काफ़ी मुश्किल होगा, तो मैंने अभी वहाँ के जो पंडित जी हैं वहाँ से पता किया, तो उन्होंने बताया कि अगर आप जनरल से भी जाते हो तो आपके फ्री दर्शन भी करते हो अगर आप, तो भी आपका आधे घंटे 40 मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना, दर्शन करने का टाइम। और VIP लेते हो तो बस 10 मिनट कम कर लो, मतलब फिर आपका 20-30 मिनट में हो जाएगा। और जो VIP टिकट होती है वो 250 रुपये की होती है, इससे ऊपर कोई टिकट नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है गर्भगृह में आप जा सकते हैं। देखिए महाकाल टेंपल के गर्भगृह में कोई भी नहीं जा सकता, जल अभिषेक भी नहीं होता है, आपको बस बाहर से ही जाया कर सकते हो, चाहे VIP जाओ या आप जाओ कुछ कॉमन वाला जनरल वाली एंट्री लो तो, ठीक है। चलिए आइए अंदर जाके आप महाकाल जी के दर्शन कराता हूँ। जल अभिषेक अब होता नहीं है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों नहीं होता जल अभिषेक। ये देखिए वो पुरानी पालकी है जिसमें हमारे महाकाल जी बैठकर सावन के दिन हो या महाशिवरात्रि हो, इसमें बैठकर पालकी में पूरे महाकाल मंदिर का परिक्रमा करते हैं और लोग खूब जश्न मनाते हैं जब महाकाल जी बैठ के पालकी में परिक्रमा करते हैं तो। और ये देखिए सारे भक्त महाकाल जी के दर्शन कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ हो गई है ना, जो कि पहले नहीं होती थी, वो ये है कि VIP हो या फ्री हो, अब सब कुछ ना अंदर आके मिक्स हो जाता है। ये देखिए अब फ्री वाले जो दर्शन करने आते हैं वो भी अंदर आके मिक्स हो गए हैं और जो VIP दर्शन करने आते हैं वो भी अंदर आके मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे आप पैसे चढ़ा सकते हैं, वहाँ से आप प्रसाद लीजिए और प्रसाद भी वहाँ पे चढ़ा सकते हैं जो आप बाहर से लाओगे, और वो अंदर है गर्भगृह और जो कि ऊपर स्क्रीन में आपको दिख रही होगी। और जो आप सामने सिल्वर वाला गेट देख रहे हो वो है गर्भगृह, और जो बड़ी स्क्रीन देख रहे हो इसमें आपको शिवलिंग दिख रही होगी महाकालेश्वर टेम्पल की, जो कि ज्योतिर्लिंग भी है। और अगर हम जल अभिषेक की बात करें तो अब जल अभिषेक होता नहीं है, उसका रीज़न ये है जो मैंने सुना है कि डे बाय डे जो शिवलिंग है वो घिसे जा रही है, तो इसलिए जल अभिषेक अब बंद कर दिया गया परमानेंटली, तो इसलिए 750 वाली कोई अब टिकट नहीं है। अब इसके बाद जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है महाकाल टेम्पल में कौन से समय आरती होती है और आरती के समय मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो मैं आपको आरती के टाइमिंग बता देता हूँ। महाकाल टेंपल में आरती सबसे पहले होती है भस्म आरती, जो सबसे फेमस आरती है, सुबह 4 बजे। फिर देन होती है बाल भोग आरती 7 बजे सुबह के। फिर उसके बाद होती है 10 बजे भोग आरती। फिर शाम को होती है संध्या आरती 5 बजे। फिर उसके बाद होती है 10:30 बजे रात को आरती जो होती है संध्या आरती, ठीक है। और सारी आरती में आप लोग जाके अंदर दर्शन कर सकते हो।
देखिए बीच में ना, देखिए जो आरती का समय होता है उसमें वैसे दर्शन हो रहे होते हैं, पर ना लोग ना स्लोली स्लोली जा रहे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है सब ना आरती लेना चाहते हैं, तो इसलिए अगर आप आरती लेना चाहते हो ना एक घंटे पहले ही चले जाओ मंदिर के अंदर। अगर जनरल भी जा रहे हो या VIP भी, तो आपके अच्छी तरह आरती के भी दर्शन हो जाएंगे बढ़िया करके टेम्पल के अंदर ही। तो चलिए आइए भस्म आरती से रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए भस्म आरती से रिलेटेड सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि भस्म आरती की टिकट कहाँ से ली जाती है और कितने की होती है। देखिए भस्म आरती की जो टिकट होती है ना, आपको एक तो अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन तो आपको महालोक कॉरिडोर से मिल जाएगी। सुबह आपको 5 बजे लगना पड़ेगा लाइन में। देखिए जो वैसे वो जो काउंटर होता है ना वो 8 बजे खुलता है, पर लोग ना सुबह 6 बजे जाके लाइन में लग जाते हो, लाइन हो जाती है काफ़ी लंबी। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि सुबह 5 बजे जाके लाइन में लग जाओगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, आप सबसे पहले जाके ले लोगे टिकट वहाँ से, ठीक है। और जो दूसरा होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन का प्रोसीजर ये होता है कि ऑनलाइन आपको वहाँ के पोर्टल पे जाके लेना पड़ता है, और ऑनलाइन बड़ी मुश्किल से ही मिल पाती है टिकट। मुझे तो मिल गई थी, पर मैंने मैक्सिमम जनरल लोगों का एक्सपीरियंस यही लिया है कि ऑनलाइन नहीं मिल पाती टिकट, तो ऑफलाइन का मैंने आपको बता दिया। और दोनों के जो प्राइस होते हैं ना, अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको देने पड़ेंगे 200 रुपये, बट अगर आप ऑफलाइन लोगे टिकट वहाँ से काउंटर से आके तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब भस्म आरती रिलेटेड ये आता है कि आपको अगर जैसे टिकट मिल गई सपोज़, तो आपको कितने बजे जाना चाहिए लाइन में लगने के लिए। देखिए सबसे बेस्ट चीज़, भस्म आरती अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप ये लिख के ले लीजिए, आपकी पूरी रात होने वाली है भगवान जी के नाम, ठीक है, शिव जी के नाम। तो इसलिए सोने की मत सोचिए, रात को 12 बजे जाके लाइन में लग जाइए। रीज़न ये है कि अगर आपको आगे जाके दर्शन करने, अगर आपको स्क्रीन में नहीं दर्शन करने, जैसे कि मैंने तो स्क्रीन में करे थे दर्शन, आप पहले देख लो कि मैंने दर्शन कैसे करे थे। हर हर महादेव दोस्तों। देखिए ऐसे है, काफ़ी सारी हर्डल जब आप पार करके आ जाओगे तो ऐसे आप बैठ जाओगे सबकी तरह यहाँ पे आके। और अब पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से 2 घंटे शायद हम यहीं भी वेट करेंगे बैठ के। एक और चीज़ आपको मुझे बतानी थी, जब आप ना वेबसाइट से बुक कर लोगे आरती की टिकट तो ना उसका ना प्रिंट आउट निकाल के आना, क्योंकि मोर कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि बार बार ना फ़ोन खोल के बार बार दिखाना पड़ रहा था, तो उससे ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप प्रिंट आउट निकाल के ले आओ। और आधार कार्ड मस्ट है वो लेके आना, नहीं तो ना आपको अंदर एंट्री नहीं करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ के 2.5 घंटे मैंने भी शिवजी जी का नाम लिया, और मुझे पता नहीं चला कब टाइम बीत गया। जब लास्ट के 20 मिनट रह जाएंगे भस्म आरती स्टार्ट होने में, तो आपको मंदिर की साइड भेज दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को लाइन में जाना पड़ेगा। बट अंदर जाके आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं VIP या नॉर्मल वाले दर्शन, जो सबसे आगे जाके बैठेगा उसी को वो चांस मिल जाएगा। ये प्रोसीजर होता है भस्म आरती का, ठीक है। वो देखिए सामने टेम्पल कितना सुंदर लग रहा है महादेव का सुबह के टाइम। आपको भस्म आरती का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं भी यहाँ पे अंदर आके बैठ चुका हूँ मंदिर के अंदर। देखिए सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि भस्म आरती शुरू होने वाली है। बीच बीच में बताता रहूँगा कुछ कुछ रोचक तथ्य आपको, तो अब भस्म आरती शुरू होने वाली है, देखिए शांति से। देखिए जैसे भस्म आरती समाप्त होती है ना, तो बीच में जाके या गर्भगृह के सामने जाके दर्शन कर लेना महाकाल के, क्योंकि इस टाइम VIP और कॉमन लोग सब सेम है, कुछ वो नहीं है कि VIP अलग है या कॉमन अलग है, सबको बस दर्शन करने महाकाल जी के। तो आगे जाके आप दर्शन कर लेना बस। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दर्शन कर लेना, क्योंकि ना इंस्टेंटली ना सारा जितना भी श्रृंगार होता है ना वो महाकाल के ऊपर से हटाने लग जाते हैं जभी के जभी तुरंत। और ये मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आंसर इसका। आपने देख लिया मैंने भस्म आरती कैसे दर्शन किए थे, देखिए बहुत अच्छी हुई थी मेरे तो भस्म आरती के दर्शन। बट ये है कि मैं रात को वहाँ लगा था लाइन में आके, कुछ 12 बजे या 12:30 या 1 बजे लगा था जाके लाइन में, तो ठीक है। उसके बाद भी जाके भाग भाग के लाइन में मुझे वहाँ पे आके मौका मिला बैठने का, जब भी मैं स्क्रीन और मुझे नीचे भी दर्शन हो पा रहे थे, पर स्क्रीन पे ज़्यादा मतलब मोन कन्वीनियंट था मेरे लिए देखने के लिए। बट अगर आपको बिल्कुल सामने दर्शन करने हैं, देखिए वहाँ कुछ VIP या जनरल नहीं चलता है, ठीक है ना। वहाँ यह जो सबसे पहले आके लाइन में लगेगा और जो सबसे पहले भाग के नंदी जी के वहाँ जाके बैठ जाएगा वो सामने से दर्शन करेगा, सिंपल है बस, खाली भस्म आरती का सीन।
और भस्म आरती में आपका फ़ोन अलाउड होता है, आप अंदर जाके ले आ सकते हो फ़ोन, पर वीडियोग्राफी के लिए वो अलाउड नहीं करते, बट ये है कि सब बना लेते हैं वीडियो, तो ये अब आपके हाथ में है। और सबसे मेन चीज़, जब आप भस्म आरती लेने जा रहे हो ना, टिकट है आपके पास, तो अपने साथ आईडी प्रूफ लेके जाइए, आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, कुछ भी। और अगर आप NRI हो तो फिर पासपोर्ट ले आना सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे NRIs के आते हैं मैसेज, तो वो कह रहे थे कि कमेंट बॉक्स में कि हम क्या लेके आए, तो पासपोर्ट सबसे बेस्ट है आपके लिए, बस उनको आईडी प्रूफ देखना कि आप हो या नहीं हो ये वाले बंदे, ठीक है। आप आईडी प्रूफ लेके आओगे, आपकी सीधा एंट्री होगी भस्म आरती, क्योंकि रात को लाइन जो होती है वो बहुत अलग होती है। तो बस यही था, मैंने सारे आपको अपडेट दे दी सावन की, जो मतलब अभी महाकाल टेम्पल में चल रहा है, और अभी ऑफिशियल ने यही बोला है जो मैंने आपको बताया है कि आपके आधे घंटे 40 मिनट में आराम से दर्शन रहेंगे, बट अगर आप अभी जाते हो तो बहुत बढ़िया दर्शन होने वाले, तो आपके आपको पूरा डेकोरेशन एक नई तरीके की मिलेगी वहाँ पे महाकाल टेम्पल में। तो अगर कोई जा रहा है तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ओमकारेश्वर से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड, या केदारनाथ टेम्पल से रिलेटेड, या ऋषिकेश में जो है नीलकंठ टेम्पल रिलेटेड, महादेव के कोई भी टेम्पल से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर वीडियो बनानी है ओमकारेश्वर कैसे जाना है, वहाँ दर्शन कैसे होते हैं, और वहाँ के अगर मुझे ऑफिशियल से पूछ के मतलब सब कुछ अगर आपको चाहिए, अभी क्या करंट अपडेट चल रही है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं बना दूँगा उस पर वीडियो। और जल्दी आपसे एक नई ट्रिप पे मिलूंगा, नई सीरीज़ पे। तो बोलिए हर हर महादेव।